Hello everyone and salamu alaikum. Welcome to Dilazak Academy and my name is Haroon Dilazak. Well, I have completed two tenses present tense and past tense. Four types of present and four types of past and today I am going to complete four types of future tense. Future tense ki chart types hai, Future indefinite tense, future continuous tense.

जो कि गैर मुना मुदत के लिए होती है जिसकी कोई ड्यूरेशन नहीं होती जिसका कोई दौरानिया नहीं होता तो फ्यूचर में ऐसी चीज़ें कि जो कि इनडेफिनट टाइम के लिए होती हैं टेंस का मतलब बेसिकली टाइम होता है और एक चीज़ मैं आपको और बताता चलूँ कि आपने टेंसेस की क्लासेस लिए बड़ा अच्छा है आप टेंसेस सीखेंगे बहुत अच्छा है मगर एक चीज़ कि अगर आप इनकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप इनको अच्छे से क्रैक नहीं कर पाएंगे इनकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्रैक्टिस प्रैक्टिस इन प्रैक्टिस आपने लिखना है लिखने के बाद आपने इनको याद करना है प्रैक्टिस एक्सरसाइज़ करनी है ताकि ये आपके जहन में बैठ जाए जब आपके जहन में बैठ जाएंगे तो फिर कभी भी आपको टेंसिस का प्रॉब्लम नहीं होगा ये मैं आपको कह रहा हूँ जब आपको टेंसिस का प्रॉब्लम नहीं होगा तो फिर आपको वोकैब चाहिए होगी और थोड़ी सी ग्रामेटिकल आपको एक्सपर्टिस चाहिए होंगी और आप अच्छी इंग्लिश लिख सकेंगे और बोल भी सकेंगे सो फ्यूचर इन डेफिनेट कब कब यूज होता है सबसे पहले कि उन एक्शंस के लिए जिनका हमारे हाथ में कंट्रोल नहीं होता हमारे हाथ में बहुत सी चीज़ों का कंट्रोल नहीं होता और इट एक्सप्रेस फ्यूचर एज अ फैक्ट फ्यूचर में ये एक फैक्ट को डिनोट करती है ये एक फैक्ट के बारे में बात करती है फॉर एग्जाम्पल ही विल बी सेवेंटीन नेक्स्ट मंथ एक इंसान जिसकी एज अगले महीने सत्रह साल होने वाली है तो दुनिया की कोई ताकत दुनिया की कोई फोर्स भी उसको सत्रह साल का होने से नहीं रोक सकती इसी तरीके से अगर हम कहें कि इट विल बी समर्स इन अ वीक एक हफ्ते के बाद समर्स हो जाएंगी तो क्या दुनिया की कोई ताकत उनको रोक पाएगी मेरा नहीं ख्याल नंबर सेकंड है इट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस इन एक्शन एक ऐसे एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए दैट वाट वी थिंक और बिलीव विल हैपन इन फ्यूचर कि एक ऐसे एक्शन के लिए कि जिसके बारे में हम सोचते हैं कि ये एक्शन फ्यूचर में होगा ये एक्शन फ्यूचर में होगा या हम ये काम फ्यूचर में होगा जैसे आई बिलीव पाकिस्तान विल प्रोग्रेस रेपिडली डाउन द रोड मेरा यकीन है कि पाकिस्तान मुस्तबिल में बहुत तेज़ी से तरक्की करेगा तो आपका या तो आप सोचते हो या तो आपकी एक पर्सनल थॉट्स होती हैं या आपका एक यकीन होता है इट यूज नंबर थ्री है इट इज यूज टू एक्सप्रेस इन एन एक्शन होगा इन एक्शन नहीं एन एक्शन दैट वी डिसाइड टू डू सम एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। के हम राइट नाउ मैं बैठा हुआ हूँ और कोई चीज कह रहा हूँ और उस चीज का ताल्लुक फ्यूचर से होगा अभी मैं बैठा हूं कोई चीज कह रहा हूं और उस चीज का ताल्लुक फ्यूचर से होगा फॉर एग्जाम्पल ही इज आई विल श्योरली गो टू सी वो बीमार है और यकीन मैं उसे देखने जाऊंगा इज रेनिंग आउटसाइड आई विल टेक एन अम्ब्रेला विद मी कि बाहर बारिश हो रही है और मैं अपने साथ अम्ब्रेला लूंगा छतरी लूंगा और मैं बाहर जाऊंगा राइट नाव क्या हो रहा है बारिश हो रही है ठीक है और उसके लिए जो फ्यूचर में जो चीज होनी है वो क्या है कि वो साथ में अम्ब्रेला लेकर जाएगा वी यूज गोइंग टू फॉर्म गोइंग टू एक फॉर्म होती है टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म फर्स लगती है तो जब गोइंग टू आ जाएगा तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लगेगी वेन वी हैव डिसाइडेड टू डू सम बिफोर थॉक इन अबाउट इट बाजूकात ऐसा होता है कि हम कुछ फैसले कर लेते हैं लेकिन वो जो फैसले हैं वो हम अपने तक रखते हैं और किसी के साथ किसी के साथ डिक्लोज नहीं करते तो जब हम उनको डिस्क्लोज नहीं करते तो जब कोई पूछता है तो पूछने पे हम बता देते हैं तो उस वक्त भी हम गोइंग टू यूज करेंगे कैसे हैव यू डिसाइडेड टू डू देर क्या तुमने फैसला कर लिया है ये करने का तो एक इंसान आपसे पूछता है ऑलरेडी एक 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 फ्री कॉन्टेक्स्ट में एक चीज चल रही होती है आप उससे पूछ, पूछते हो कि हाँ क्या तुमने ये फैसला कर लिया यस yes. आई एम गोइंग टू रिज़ाइन दॉब मैं नौकरी से इस्तीफा दे रहा हूँ मैं छोड़ रहा हूँ ठीक है तो ये चीज इस रूल के अकॉर्डिंग जब हम कोई फैसला कर लेते हैं और फिर उसके बारे में जब बाद में बोलते हैं तो हम गोइंग टू यूज़ कर सकते हैं कि फ़ोरन में एक काम करने जा रहा हूँ अब ये काम मैं करने जा रहा हूँ गोइंग टू मैं ये काम करने जा रहा हूँ वो नियर फ्यूचर भी हो सकता है वो इमीडिएट भी हो सकता है वो फॉरन भी हो सकता है वो एट स्पॉट भी हो सकता है वो वो लॉन्ग रन में भी हो सकता है वाई डू यू वॉन्ट टू सेल योर बाइक कि आप अपना बाइक क्यों बेचना चाहते हो इसलिए आई एम गोइंग टू बाई कार द रीजन इज दैट आई एम गोइंग टू बाय मैं एक कार खरीदना चाहता हूं इसलिए मैं अपना बाइक बेच रहा हूँ यूज नंबर फाइव है वी आर ऑल्सो यूज गोइंग टू इसलिए यूज़ करते हैं टू टॉक अबाउट यहाँ पर टू आएगा, टी टू, टू टॉक अबाउट वट सीम्स लाइकली और सर्टेन कि ऐसी चीज जो कि शायद हो जाए या ऐसी चीज जो कि यकीनी हो वेन देयर इज समथिंग इन प्रेजेंट विच टेल्स अस अबाउट द फ्यूचर के ऐसी चीज जो कि या तो लाइकली हो या तो उसकी प्रॉबिलिटी हो या वो सर्टेन हो यकीनी हो क्या कि एक ऐसी चीज़ जो अभी हो रही है और वो फ्यूचर का पता दे वो फ्यूचर का पता दे फॉर एग्जाम्पल इट इज़ गोइंग टू रेन लुक एट दो क्लाउड्स जब बारिश आती है तो ऐसा नहीं होता कि बारिश फ़ौर बरसने लगती है सबसे पहले काले गहरे बादल आते हैं ठंडी हवाएं चलती हैं और उन हवाओं से और मौसम जब काले बादल मूव करते हैं जब वो ऐसे इधर उधर घूमते हैं और साथ में हल्की सी गरज चमक भी होती है तो आपको पता चल रहा होता है कि बारिश होगी ठीक दोर इज फुल इट इज गोइंग टू सिंक याद रखिए दो चीजों में फर्क है जब कोई इंसान डूबता है तो उसके साथ हम ड्राउन लगाते हैं डी आर ओ डब्ल्यू एन जब कोई बेजान चीज डूबती है तो हम उसके साथ सिंक लगाते हैं अब जब बोट में कश्ती में पानी दाखिल होता है तो कश्ती डूब जाती है तो यहां पर ये कह रहे हैं कि देखो कश्ती पानी से भर चुकी है अब ये डूबने वाली है अब ये डूबने वाली है फिर कहते हैं गोइंग टू फॉर्म में ऑल्सो एक्सप्रेस इन एक्शन विच इज ऑन के गोइंग टू हम उस जगह पर भी लगा सकते हैं जहां पर कोई एक्शन रोनमा हो रहा होता है उस जगह पे जहां पे कोई एक्शन रोनमा हो रहा होता है वो हो रहा होता है फॉर एग्जाम्पल Clouds indicate it is going to rain. Clouds indicate it is going to rain. बादल बता रहे हैं, बादल इस चीज को जाहिर कर रहे हैं, इस चीज की निशान देही कर रहे हैं कि बारिश होने वाली है। फिर कहते हैं, Be about to plus base form, Be about to plus base form can also be used for immediate future. के foreign future में आप एक ऐसा काम करने जा रहे होते हो जो रैपिडली जो आपने इमीडिएटली करना होता है जो आपने फ़ौरन करना होता है जो आपने प्रॉम्प्टली करना होता है ठीक है जैसे फॉर एग्जाम्पल आई कैन हैंडल इट राइट नाव आई एम अबाउट टू लीव छुट्टी का वक्त हो चुका है आपका बॉस आपका मैनेजर आपके पास आता है और आपको कहता है ये फाइल्स देख लो आप कहते हो नहीं मैं नहीं देख सकता क्योंकि मैं जाने वाला हूं अब वो जो जाने वाला होता है आप वो रह, वो वो प्रॉम्प्टली होता है कि मैं निकलने वाला हूँ ठीक है बी रेडी वी आर अबाउट टू प्ले सब लोग रेडी हो जाओ तैयार हो जाओ हम खेलने वाले हैं हम खेलने वाले हैं नंबर सेवेंथ क्या कहते हैं कि सिंपल प्रेजेंट की जगह पे सिंपल प्रेजेंट किस की जगह पे इस्तेमाल होता है सिंपल सिंपल फ्यूचर की जगह पे इस्तेमाल होता है क्यू फॉर ऑफिशियल प्रोग्राम्स एंड टाइम टेबल्स आपने अगर ऑफिशियल गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स देखे हों तो वो उनकी जो लैंग्वेज होती है वो बड़ी एक एक पैट किस्म की लैंग्वेज होती है एक ख़ास किस्म की लैंग्वेज होती है और वहाँ पर ग्रामर को बहुत देखा जाता है ग्रामर जिस तरीके से वो फ्रेजेज या जुमले इस्तेमाल करते हैं वो वो टेक्निकल सेंटेंसेस होते हैं तो अगर हम ये कहेंगे कॉलेज ओपनस बाई ट्वेंटी जून तो इसका मतलब ये नहीं है यहाँ पे कि कॉलेज 23 जून को खुलता है नहीं बल्कि यहाँ पे ये यह होगा कि कॉलेज 23 जून को खुलेगा द मीटिंग स्टार्ट एट 6:30 थर्टी एंड फिनिश एट नाइन ओ कि मीटिंग ये फिनिशेस नहीं यहाँ पे एंड्स ज़्यादा बेहतर होगा <coughs> कि फिनिशेस का मतलब होता है कोई चीज़ ख़त्म हो जाना उसका वजूद ख़त्म हो जाना जबकि एंड का मतलब है कि एंड यूजुअली टाइम के हिसाब से लगता है कि अब टाइम एंड हो चुका है या खत्म हो चुका है तो यहां पे एंड ज्यादा बेहतर होगा मीटिंग स्टार्ट एट सिक्स थर्टी एंड फिनिशेज इन एंड एट नाइन वो साढ़े छः बजे शुरू होगी और नौ बजे खत्म हो जाएगी चूंकि अब इसकी हम उर्दू में या हिंदी में पहचान देखेंगे कि उर्दू या हिंदी में हम इसको कैसे करेंगे चूंकि ये टेंस है फ्यूचर का तो फ्यूचर में हमेशा गा गी गे लगता है जैसे मैं स्कूल जाऊंगा फ्यूचर की बात हो रही है खिलाड़ी फुटबॉल खेलेगा फ्यूचर की बात हो रही है अजनबी शख्स मुझे आवाज देगा तो फ्यूचर की बात हो रही है इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है फ्यूचर इन डेफिनेट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है और जो हेल्पिंग वर्ब्स यूज होते हैं वो विल और शेल होते हैं विल और शेल को हेल्पिंग वर्ब्स के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है मॉडर्न इंग्लिश में शेल को शेल के रोल को मिनिमाइज कर दिया गया मगर आप अगर सब सब्जेक्ट्स के साथ विल भी लगाएंगे तो वो रॉन्ग नहीं हो कंसिडर किया जाएगा वो गलत नहीं कंसिडर किया जाएगा वो ठीक ही होगा लेकिन चूंकि अभी हम रूल्स की बात कर रहे हैं तो इस टेंस में आई और वी याद रखिए इस पूरे टेंस में इसकी सभी टाइप्स में आई और वी के साथ शेल लगेगा बाकी सब सब्जेक्ट्स के साथ वेल लगेगा बाकी सब सब्जेक्ट्स के साथ वेल लगेगा जब सब्जेक्ट आई या वी होता है तो शेल लगेगा ठीक है और बाकी शेल कब लगेगा सब्जेक्ट के बाद ऑफ कोर्स आई और वी के, के बाद सेंटेंस स्ट्रक्चर आई या वी उसके साथ शेल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट, ठीक है फॉर एग्जाम्पल आई शेल जैसे मैंने बताया कि विल भी लग सकता है आई शेल विजिट लाहौर नेक्स्ट वीक मैं लाहौर नेक्स्ट वीक जाऊंगा वी शेल अबाइड बाय बाई लॉ हमें कानून की पासदारी करनी चाहिए आई शेल सक्सीड एट एनी कॉस्ट मैं हर हाल में कामयाब हूँ वी शेल मूव फॉरवर्ड फॉर गेरिंग पास्ट कि हमें आगे गुजर जाना चाहिए हमें आगे बढ़ जाना चाहिए पास्ट को माजी को भूल कर नेक्स्ट है वेन द सब्जेक्ट इज ही शी इट यू दे या सिंगुलर नाउन मैंने बताया कि ही आई uh, और वी को छोड़ के बाकी सब सब्जेक्ट जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे उनके साथ विल लगेगा सब्जेक्ट प्लस विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस

क्रिस्टीन विल मूव फॉरवर्ड फॉर गेटिंग फास्ट क्रिस्टीन आगे बढ़ेगी लाइफ में आगे बढ़ेगी माजी को बुलाते हुए यू विल डू एट एज डायरेक्टेड बाई मी तुम इसको वैसे ही करोगे जैसे मैंने तुम्हें बताया जैसे मैंने तुम्हें गाइड किया जैसे मैंने तुम्हारी रानुमाई की अब नेगेटिव सेंटेंसेस में हम यहां पे विल नॉट और शेल नॉट लगाते हैं नेगेटिव का मतलब मनफी जुमले तो अगर मेन हेल्पिंग वर्ड विल और शेल है तो हम नेगेटिव में क्या लगाएंगे विल नॉट और शेल नॉट लगाएंगे नेगेटिव में हम विल नॉट और शेल नॉट लगाएंगे सेंटेंस स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस विल नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन ऑफ प्रेरी आई शेल नॉट विजिट लाहौर नेक्स्ट वीक मैं अगले हफ्ते लाहौर नहीं जाऊंगा वी शेल नॉट ए बाइट बाई लॉ हम कानून की पासदारी नहीं करेंगे एनी मीन्स विल नॉट सक्सीड दुश्मन कभी भी कामयाब नहीं होंगे सम पीपल विल नॉट मूव फॉरवर्ड फॉर गेटिंग फास्ट कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो कि आगे नहीं बढ़ते वो माजी में स्टक रहते हैं माजी की जो उनके जो उनके साथ मामलात हुए होते हैं या माजी के इंसीडेंस को मद्देनज़र नज़र रखते हुए उनको इतना कंसिड्रेशन देते हैं उनको उन उनके बारे में इतना सोचते हैं उनको दिमाग में इतना ज़्यादा रखते हैं कि वो आगे नहीं बढ़ पाते वो आगे नहीं बढ़ पाते वो आगे नहीं बढ़ पाते सो so, मेरी एडवाइस ये है कि माजी में आपके साथ कुछ भी हुआ माजी में आपके साथ कुछ भी हुआ आपने उसको भूलना है और क्योंकि मुस्बिल जो है मुस्बिल बहुत सी अच्छी चीज़ें लाता है उन लोगों के लिए जो कि पॉजिटिव होते हैं उन लोगों के लिए जो कि मेहनत पे यकीन रखते हैं उन लोगों के लिए जो लाइफ के इस पहलू पे यकीन रखते हैं कि जिंदगी खूबसूरत है और हमने आगे वाली ज़िंदगी जीनी है माजी को भुला प्रेजेंट को अच्छा करना है और उस प्रेजेंट की वजह से फ्यूचर को अच्छा करना है ही विल नॉट विज़िट लाहौर नेक्स्ट वीक वो अगले हफ्ते लाहौर विजिट नहीं करेगा बैर नॉट अबाइड बाई लॉ बुरे शहरी कानून की पासदारी नहीं करेंगे Introgative, sentences. Introgative का मतलब होता है क्वेश्चन सवालिया जुमले ऐसे जुमले जिसमें सवाल पूछा जाता है तो जब भी सवाल पूछा जाता है तो हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो सेंटेंस के शुरू में आ जाता है सब्जेक्ट उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ड उसके बाद ऑब्जेक्ट उसके बाद एक्सटेंशन ऑफ फेरीगेर और फिर आखिर में क्वेश्चन मार्क हम लगा देते हैं जैसे शेल आई विजिट लाहौर नेक्स्ट वीक क्या मैं अगले हफ्ते लाहौर जाऊंगा शेल वी ए बाइड बाई लॉ क्या हम कानून की पासदारी करेंगे विल दे सक्सीड एट एनी कॉस्ट क्या वो हर सूरत कामयाब होंगे ड फॉर गेरिंग फास्ट क्या कुछ लोग माजी को भुलाकर आगे बढ़ेंगे विल बैड सिरिजन ए बाइड बाई लॉ क्या बुरे शहरी कानून की पासदारी करेंगे क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पे नेगेटिव इंट्रॉगेटिव नेगेटिव इंट्रोगटिव में एक सवाल भी पूछा जाता है और नफी भी होती है इसमें हेल्पिंग वर्ब्स शुरू में सिंथेन्सर को देखिए हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाता है उसके बाद सब्जेक्ट आता है उसके बाद नॉट आता है सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट फिर एक्सटेंशन ऑफ फ्रेरिकेट और उसके बाद क्वेश्चन मार्क आ जाता है आखिर में इंट्रोगेटिव में और नेगेटिव इंट्रॉगेटिव में हमने अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया तो वो गुनाह कबीरा होगा और अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस के आखिर में फुल uh, स्टॉप लगता है ऑलराइट फॉर एग्जाम्पल शेल आई नॉट विजिट लाहौर नेक्स्ट वीक क्या मैं अगले हफ्ते लाहौर नहीं जाऊंगा अब नेगेटिव इंस्ट्रॉगेटिव में यस या ये नो उसका जो आंसर होता है वो हमने यस या ये नो में देना होता है क्या मैं अगले हफ्ते लाहौर नहीं जाऊंगा शेल वी नॉट ए बाइड बाई लॉ क्या हम कानून की पासदारी नहीं करेंगे विल दिस एनी कॉस्ट क्या वो हर हाल में कामयाब होंगे वेल पीपल विल सम पीपल होगा विल सम पीपल नॉट मूव फॉरवर्ड फॉर गेटिंग पास्ट क्या कुछ लोग माजी को भुलाकर आगे नहीं बढ़ेंगे वेन विल ही विजिट लाहौर नेक्स्ट वीक वो अगले हफ्ते लाहौर विजिट कब करेगा वाई विल बैड सिटीजन बाइल बाई लॉ के बुरे शहरी कानून की पासदारी क्यों नहीं करेंगे राइट सो दे वॉज फ्यूचर इन डेफिनेट टेंस नाव वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस कॉन्टिन्यूस का मतलब है जारी ऐसी चीज जो कि प्रोग्रेस में हो, होती है ऐसी चीज जो कि जारी होती है ऐसी चीज जिस पे काम हो रहा होता है तो फ्यूचर कंटिन्यूस में एक ऐसा व, ये टेंस उस वक्त यूज होता है जब मुस्तकबिल में कोई काम हो रहा होता है फॉर एग्जाम्पल अब इसके यूजेस पे आ जाते हैं इट इज यूज टू एक्सप्रेस इन एक्शन एक ऐसे एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए यूज होता है विच विल बी इन प्रोग्रेस एट अ टाइम इन फ्यूचर कि जो कि फ्यूचर में एक स्पेसिफिक टाइम पे जो कि फ्यूचर में एक सर्टन टाइम पे हम क्या होगा जारी होगा फॉर एग्जाम्पल इट विल बी रेनिंग बारिश हो रही होगी कल इस वक्त में लंडन बैठा हुआ हूंगा बी टू प्लस बेस फॉर्म इज यूज टू टॉक अबाउट ऑफिशियल प्लान एंड अरेजमेंट्स जितने भी आपके ऑफिशियल प्लान होते हैं या अरेजमेंट ऑफिशियल की जाती है उसके लिए बी टू प्लस बेस फॉर्म लिखी जाती है कैसे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इज़ टू विजिट इज टू टू के बाद फर्स्ट फॉर्म इज टू विजिट चाइना नेक्स्ट वीक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अगले हफ्ते चाइना जाएंगे अगले हफ्ते चाइना जा रहे होंगे ठीक है अब इसकी उर्दू में इंडिकेशन क्या है देखिए प्रेजेंट खांति में रहा है रही है रहे है आता है फास्ट खांति में रहा था रही थी रहे थे आता है चूंकि फ्यूचर की बात हो रही है तो इसमें आएगा रहा होगा रही होगी रहे होंगे फॉर एग्जाम्पल मैं स्कूल जा रहा होऊंगा खिलाड़ी फुटबॉल खेल रहे होंगे अजनबी शख्स मुझे आवाज दे रहा होगा सेंटेंसेस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ कंटिन्यूस है तो परफेक्ट जितने भी टेंसेस हैं उनमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी कंटिन्यूस जितने भी टेंसेस हैं उनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी लगेगा विल बी और शेल बी विल बी और शेल बी को हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल करेंगे जब सब्जेक्ट आई और वी होगा तो शेल बी यूज होगा और बाकी सब के साथ विल बी यूज होगा सब्जेक्ट के बाद फॉर एग्जाम्पल आई शेल बी विजिटिंग लाहौर मैं लाहौर जा रहा हूंगा वी शेल बी बायरिंग बाई लॉ हम कानून की पासदारी कर रहे होंगे आई शेल बी सक्सीडिंग एट एनी एट एनी कॉस्ट मैं हर हाल में कामयाब हो रहा हूंगा वी शेल बी मूव इन फॉरवर्ड फॉर गेटिंग हमें माजी को भुलाकर हम माजी को भुलाकर आगे बढ़ रहे होंगे रूल नंबर थ्री यही है कि आई और वी को छोड़ के बाकी सभी सब्जेक्ट सब्जेक्ट काम करने वाला होता है ऑब्जेक्ट जिस पे काम कर रहे होते हैं और वर्ब जो के काम होता है एक्सटेंशन ऑफ फ्रेरिकेट जो के ऑब्जेक्ट को मजीद एक्सप्लेन कर रहा होता है तो आई और वी को छोड़ के बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ विल बी लगेगा फॉर एग्जाम्पल हैरी विल बी विजिटिंग लाहौर हैरी लाहौर जा रहा होगा सिटीजन विल बी बायरिंग बाई लॉ शहरी कानून की पासदारी कर रहे होंगे स्टूडेंट्स विल बी सक्सीडिंग बाय द डेंट ऑफ हार्ड वर्क के शहरी सख्त बच्चे तालब एलम स्टूडेंट्स सख्त मेहनत की वजह से आगे बढ़ रहे होंगे क्रिस्टीन विल बी मूविंग फॉरवर्ड फॉर गेरिंग फास्ट क्रिस्टीन माजी को बुलाकर आगे बढ़ रही होगी यू विल बी डूइंग इट एज डायरेक्टेड बाई मी तुम इसको वैसे ही कर रहे होंगे जैसे मैंने तुम्हें हिदायत दी है नेक्स्ट वन है नेगेटिव जब भी नेगेटिव आता है तो हम उसमें क्या करते हैं विल नॉट बी और शेल नॉट बी लगा देते हैं विल नॉट बी और शेल नॉट बी लगा देते हैं नॉट आ गया तो सब्जेक्ट होगा और उसके बाद विल या शेल विल नॉट बी या शेल नॉट बी प्लस फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन ऑफ फेरिकेट फॉर एग्जाम्पल आई शेल नॉट बी विजिटिंग लाहौर नेक्स्ट वीक मैं अगले हफ्ते लाहौर विजिट नहीं कर रहा हूंगा वी शेल नॉट बी बायरिंग बाई लॉ हम कानून की पासदारी नहीं कर रहे होंगे एनिमीज विल नॉट बी सक्सीडिंग दुश्मन कामयाब नहीं हो रहे होंगे सम पीपल विल नॉट बी मूव इन फॉरवर्ड फॉर गेटिंग कुछ लोग जिंदगी में माजी को बुलाकर आगे नहीं बढ़ रहे होंगे बैड सीरीज विल नॉट बी एबरिंग बाई लॉ कि बुरे शहरी कानून की पासदारी नहीं कर रहे होंगे इंट्रॉगेटिव इंट्रॉगेटिव सवालिया जुमले तो सवालिया जुमलों में ल और शेल को हम सेंटेंस के शुरू में लाएंगे बी सब्जेक्ट के बाद आएगा और क्वेश्चन मार्क सेंटेंस के आखिर में आएगा विल और शेल स्टार्ट में सब्जेक्ट के बाद बी प्लस फर्स्ट फॉर्म आई एन जी ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन ऑफ फ्रेरिकेयर प्लस क्वेश्चन मार्क फॉर एग्जाम्पल शेल आई बी विजिटिंग लाहौर क्या मैं लाहौर जा रहा हूँ शेल वी बी बायरिंग बाई लॉ क्या हम कानून की पासदारी कर रहे होंगे विल दे बी सक्सीडिंग एट एनी कॉस्ट क्या वो हर हाल में कामयाब हो रहे होंगे विल सम पीपल बी मूविंग फॉरवर्ड फॉर गेटिंग पास्ट क्या कुछ लोग पास्ट को बुलाकर बाजी को भुलाकर आगे बढ़ रहे होंगे नेक्स्ट वन इज नेगेटिव इंट्रॉगटिव सेंटेंसेज जिसमें सवाल भी पूछा जाता है और नफ़ी भी होती है अब इसमें हेल्पिंग वर्ब जो कि विल और शेल है वो स्टार्ट में आएगा सेंटेंस स्ट्रक्चर पे देखिए उसके बाद सब्जेक्ट आएगा उसके बाद नॉट बी आएगा उसके बाद फर्स्ट फॉर्म फस आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर एक्सटेंशन ऑफ फेरी केयर एग्जाम्पल शेल आई नॉट बी विजिटिंग लाहौर क्या मैं लाहौर की सैर नहीं कर रहा हूंगा शेल वी नॉट बी शेल वी नॉट बी बाइरिंग बाई लॉ क्या हम कानून की पासदारी नहीं कर रहे होंगे विल द नॉट बी सक्सीडिंग क्या वो कामयाब नहीं हो रहे होंगे विल दिजेक्टेड पीपल नॉट बी मूविंग फॉरवर्ड फॉर गेटिंग फैस्ट क्या गमगीन लोग अफसरदा लोग माजी को भुलाकर आगे नहीं बढ़ रहे होंगे वेन विल ही वेन विल ही नॉट बी विजिटिंग लाहौर नेक्स्ट वीक वो अगले हफ्ते लाहौर का विजिट कब नहीं कर रहा होगा वाई विल बैड सिटीजन्स बी बायरिंग बाई लॉ के बुरे शहरी कानून की पासदारी क्यों कर रहे होंगे ऑलरेडी वेल देर वॉज ऑल अबाउट

ये एक ऐसे एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल होता है देट विल बी कम्प्लीटेड बाई अ सर्टन टाइम इन इन द फ्यूचर कि जो कि फ्यूचर में एक सर्टन टाइम में कम्प्लीट होता हो जाएगा जो कि फ्यूचर में एक सर्टन टाइम में कम्प्लीट हो जाएगा फॉर एग्जाम्पल आई शैल हैव गॉन टू लंडन बाई देन मैं उस वक्त तक लंडन जा चुका होऊंगा ये इसके हैं। इसकी इंडिकेशन क्या होगी जैसे कि प्रेजेंट की इंडिकेशन है चुका है चुकी है चुके हैं जैसे के past perfect tense की indication है उर्दू या हिंदी में चुका था चुकी थी चुके थे इसी तरीके से इसकी इंडिकेशन होगी चुका होगा चुकी होगी चुके होंगे कर लिया होगा कर ली होगी कर लिए होंगे मैं स्कूल जा चुका होंगे खिलाड़ी फुटबॉल खेल चुके होंगे अजनबी शख्स मुझे आवाज दे चुका होगा मेरे सेंटेंसेस परफेक्ट के जितने भी टेंसेस हैं प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी और फ्यूचर परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब्स यूज होते हैं विल हैव और शेल है। और जब आए या वी होगा तो शेल हैव लगेगा बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ विल हैव लगेगा जैसे आई शेल लाहौर मैं लाहौर जा चुका हूँगा वी शेल कानून की पासदारी कर चुके होंगे आई शेल हैव सीरेड एट एनी कॉस्ट मैं हर हाल में कामयाब हो चुका हूँगा शेल हैव मूवड फॉरवर्ड फॉर गेटिंग फास्ट हम माजी को भुलाकर कामयाबी के साथ आगे बढ़ चुके होंगे रूल नंबर थ्री जब सब्जेक्ट ही होगा शी होगा एट होगा वे होगा सिंगुलर नाउन होगा तो हम विल हैव यूज करेंगे सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट

तुम उसको वैसे ही कर चुके होंगे जैसे मैंने हदायत दी नेगेटिव सेंटेंसेस में विल नॉट हैव और शेल नॉट हैव यूज होगा विल नॉट हैव और शेल नॉट हैव यूज होगा सब्जेक्ट के बाद विल नॉट हैव या शेल नॉट हैव सब्जेक्ट के बाद विल नॉट हैव या शेल नॉट हैव उसके बाद थर्ड फॉर्म उसके बाद ऑब्जेक्ट उसके बाद एक्सटेंशन ऑफ फ्रेरिकेट आई शेल नॉट हैव विजिटेड लाहौर मैं लाहौर नहीं जा चुका हूंगा वी शेल नॉट हैव ए बाइर बाय लॉ हम कानून की पासदारी नहीं कर चुके होंगे स्टूडेंट्स विल नॉट हैव सक्सीडेड बाय वेस्टिंग टाइम बाय वेस्टिंग टाइम नहीं स्टूडेंट्स विल नॉट हैव सक्सीडेड ड्यू टू वेस्टिंग टाइम ऑन सोशल मीडिया के बच्चे फालबिल्म कामयाब नहीं हो चुके होंगे क्यों क्योंकि सोशल मीडिया पे टाइम ज़ाया करने की वजह से क्रिस्टीन विल नॉट हैव मूव फॉरवर्ड क्रिस्टीन आगे नहीं बढ़ चुकी होगी यू विल नॉट हैव डन दिस डन इट एज डायरेक्टेड बाय मी तुम मेरी हदायत के मुताबिक ये नहीं कर चुके होंगे नेक्स्ट वन इज इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में विल और शेल सेंटेंस के शुरू में आएगा सेंटेंस के शुरू में आएगा सब्जेक्ट के बाद हैव लगेगा और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट फिर एक्सटेंशन ऑफ फ्रेरिकेर और फिर क्वेश्चन मार्क फॉर एग्जाम्पल शेल आई हैव विजिटेड लाहौर क्या मैं लाहौर जा चुका हूंगा शेल वी हैव ए बाय बाई लॉ क्या हम कानून की पासदारी कर चुके होंगे Will students have succeeded by, work? क्या मेहनत की वजह से बच्चे कामयाब हो चुके होंगे श्योरली yes. forward? विल क्रिस्टीन आगे बढ़ चुकी होगी विल यू हैव डन इट एज डायरेक्टेड बाई मी क्या तुम वैसा कर चुके होंगे जैसा मैंने तुम्हें नसीहत की क्या तुम वैसा कर चुके होंगे जैसे मैंने तुम्हें नसीहत की नेक्स्ट वन इज नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जिसमें सवालिया भी होगा और मनफी भी होगा हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाएगा विल और शेल स्टार्ट में आ जाएगा नॉट के बाद आ जाएगा नॉट के बाद आ जाएगा क्वेश्चन मार्क सेंटेंस के आखिर में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क सेंटेंस के आखिर में आ जाएगा जैसे शेल आई हैव नॉट शेल आई नॉट हैव होगा शेल आई नॉट हैव विजिटेड लाहौर ठीक है अब यहां पे ये यह मिस्टेक है और कौन सी मिस्टेक है टाइपिंग मिस्टेक कह सकते हैं या आ, एक ऐसी मिस्टेक जो कि आप अनकॉन्शियस माइंड के साथ कह सकते हो तो यहां पे शेल आई हैव नॉट नहीं होगा शेल आई नॉट है क्या मैं लाहौर नॉट पहले आएगा और हैव बात में आएगा नॉट पहले आएगा और हैव बात में आएगा शेल आई नॉट हैव विजिटेड लाहौर क्या मैं लाहौर नहीं जा चुका होंगे शेल वी नॉट हैव ए बाय बाई लॉ क्या हम कानून की पासदारी नहीं कर चुके होंगे शेल स्टूडेंट्स

हैव पहले आ गया जबकि आना नहीं चाहिए था बट मिस्टेक्स पार्ट ऑफ योर लाइफ अब यहां पे आपने क्या करना है इसको रेक्टिफाई करना है आई के बाद नॉट आएगा वी के बाद नॉट आएगा उसके बाद हैव आएगा स्टूडेंट्स के बाद नॉट नॉट आएगा उसके बाद हैव आएगा क्रिस्टीन के बाद नॉट आएगा उसके बाद हैव आएगा यू के बाद नॉट आएगा उसके बाद हैव आएगा परफेक्ट वेल well, इस चीज को आपने जहन में रखना है नॉट पहले आएगा और हैव बाद में आएगा अकॉर्डिंग टू दिस सेंटेंस स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू दिस सेंटेंस स्ट्रक्चर वेल और शेल शुरू में सब्जेक्ट बाद में फिर नॉट हैव फिर uh, वर्ब की थर्ड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट और फिर एक्सटेंशन ऑफ फ्रेरी केयर वेल देस ऑल अबाउट फ्यूचर परफेक्ट टेंस नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट लास्ट टेंस ज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस ये सबसे कम इस्तेमाल होता है यू समझ लें कि ये वन परसेंट भी इस्तेमाल नहीं होता ये वन परसेंट भी इस्तेमाल नहीं होता ये बहुत कम इस्तेमाल होता है बट रूल्स हैं तो हमने समझना है कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है सबसे पहले इट इज यूज टू एक्सप्रेस इन एक्शन विच विल बी इन प्रोग्रेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दैट विल एंड इन फ्यूचर कि फ्यूचर में वो प्रोग्रेस में होगा ठीक है फ्यूचर में वो प्रोग्रेस में होगा और फ्यूचर में ही वो एंड करेगा फ्यूचर में वो प्रोग्रेस में होगा और फ्यूचर में ही वो एंड करेगा अब आई शेल हैव बीन होगा आई हैव बीन नहीं होगा आई शेल हैव बीन टीचिंग फॉर टेन ईयर्स दिस सेप्टेंबर के इस सेप्टेंबर तक मैं दस साल तक पढ़ा रहा हूंगा ठीक है तो यहां पे एक और मिस्टेक हुई वो ये है कि यहां पे शेल लगेगा आई शेल हैव बीन टीचिंग फॉर टेन ईयर्स आई शेल हैव बीन टीचिंग फॉर टेन ईयर्स दिस सेप्टेंबर अब यहां पे एक और चीज जिसमें जिसको मैंने तीनों टेंसेस में कवर करवाया कि सेंस और फॉर कब लगेगा जब कभी भी पॉइंट ऑफ टाइम की बात होगी एक पॉइंट दिया जाएगा पॉइंट का मतलब है पॉइंट एक स्टार्टिंग पॉइंट दिया और एंडिंग पॉइंट नहीं दिया बाकी हम सेंस लगाएंगे जैसे सिंस मॉर्निंग सुबह से सिंस आफ्टरनून दोपहर से सिंस इवनिंग सिंस थर्सडे सिंस अ लॉन्ग टाइम सिंस 1994 आई शेल हैव बीन वेयरिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग कि मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूंगा। फॉर कब लगाते हैं फॉर उस वक्त लगाते हैं पीरियड ऑफ टाइम को इंडिकेट करने के लिए पीरियड ऑफ टाइम को इंडिकेट करने के लिए फॉर अ वीक फॉर वन ईयर फॉर फॉर वन डे फॉर मैनी ईयर्स जहां पे एक पीरियड होता है याद रखें जब भी पीरियड हो तो आपके जहन में एक चीज़ आनी चाहिए कि स्टार्टिंग पॉइंट भी होगा एंडिंग पॉइंट भी होगा फॉर एग्जाम्पल हमारा एक पीरियड होता है फोरी फाइव मिनट्स का एक मिनट एक सेकेंड से शुरू होता है और फोरी फाइव फोरी फिफ्थ मिनट पर वो खत्म हो जाता है इसी तरीके से एक वीक में सात दिन होते हैं एक साल में थ्री सिक्सटी फाइव डेज होते हैं एक मेनी ईयर्स भी कह सकते हैं सेवरल ईयर्स भी कह सकते हैं वन सेंचुरी भी कह सकते हैं यू विल हैव बीन टीचिंग यू अच्छा यू विल हैव बीन टीचिंग अस यहां पे अस होगा यू विल हैव बीन टीचिंग अस फॉर अ ईयर तुम हमें एक साल से पढ़ा रहे होंगे ठीक है अब इसमें आखिर में आता है जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में आता है ता रहा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में आता है ता रहा था तो इसमें आएगा ता रहा होगा ती रही होगी ते रहे होंगे लेकिन जब सिंस या फॉर आएगा तो फिर आखिर में आएगा रहा होगा रही होगी रहे होंगे जैसे वो दो घंटों से मेरा इंतज़ार कर रहा होगा देखिए वो मेरा इंतज़ार कर रहा होगा ये बनता है फ्यूचर कॉन्थीन टेंस लेकिन एक चीज की एडिशन हुई जिसमें बच्चे मिस्टेक कर दे कर देते हैं वो ये है सिंस या फॉर दो घंटे फॉर है या सुबह से होगा वो सुबह से तो यहां आएगा वो सुबह से मेरा इंतजार कर रहा होगा ही विल हैव बीन ही विल हैव बीन वेटिंग फॉर मी सिंस मॉर्निंग ही विल हैव बीन वेटिंग फॉर मी फॉर टू टू आवर्स तो ये जो चीज है इसको बच्चों ने अगर आप लोगों ने अच्छे से देखा अच्छे से माइंड में रखा तो फिर आप कन्फ्यूज़ नहीं होंगे याद रखना कि जब पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम दिया होता है तो वो आखिर में रहा होगा पे ख़त्म होता है तो बच्चे समझ लेते हैं कि ये ये टेंस है जी फ्यूचर कॉन्टीन्यूस का या जैसे वो आ, वो दो घंटे से वो दो घंटों से इंतज़ार कर रहा है तो बच्चे समझते हैं कि ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस है बेसिकली दो घंटे या सुबह से जब उसमें मैंशन कर दिया तो ये प्रेजेंट नहीं है बल्कि ये प्रेजेंट कंटीन्यूस नहीं है बल्कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस है सिमिलरली जब वो कहेगा कि वो दो घंटों से मेरा इंतजार कर रहा होगा तो ये प्रेजेंट ये फ्यूचर खांति नहीं बल्कि फ्यूचर परफेक्ट खांति होगा अगर सिमसफ और नहीं लगेगा तो फिर ये खत्म होगा ता रहा होगा ती रही होगी ते रहे होंगे अब मेरे सेंटेंसेस में खांति नूस में जितने भी खांति के टेंसेस हैं इसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी लगता है विल हैव बीन और शेल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होते हैं अगर आपका सब्जेक्ट आई और वी है तो शेल uh, की फर्स्ट फॉर्म प्लस प्लस आई एनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट केयर एग्जाम्पल्स आई शेल हैव बीन विजिटिंग लाहौर ठीक है मै लाहौर कि मैं लाहौर की सैर कर रहा हूंगा नहीं मैं लाहौर की सैर करता रहा लॉ हम कानून की पास्तारी करते रहे होंगे आई शेल है हर हाल में कामयाब होता रहा हूंगा वी शेल हैव बीन मोविन फॉरवर्ड फॉर गेटिंग फास्ट हम माजी को भुलाकर आगे बढ़ते रहे होंगे जब ई और वी को छोड़ के बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ हम विल हैव बीन लगाएंगे ही विल हैव बीन ही लाहौर वो लाहौर की सैर करता रहा होगा सिटीजन है कानून की पासदारी करते रहे होंगे स्टूडेंट्स विल हैव बीन सक्सीडिंग बाय देंट ऑफ हर्ड वर्क सेप्शन के बच्चे हर जब से बच्चों ने पढ़ना शुरू किया तब से तब से वो सख्त मेहनत की वजह से कामयाब कामयाब हो रहे होंगे क्रिस्टीन विल हैव बीन मोविन फॉरवर्ड फॉर गेटिंग फास्ट क्रिस्टीन माजी को भुलाकर आगे बढ़ती रही होगी यू विल हैव बीन यू विल हैव बीन डूइंग इट एज डायरेक्टेड फॉर फाइव ईयर्स तुम उसको ऐसे ही कर रहे होंगे पिछले पांच साल से जैसे डायरेक्ट किया गया जैसे डायरेक्ट किया गया नेगेटिव सेंटेंसेस में विल नॉट हैव बीन और शेल के बाद नॉट आ जाएगा आई शेल नॉट हैव बीन कॉस्ट मैं हर हाल में कामयाब नहीं हो रहा होगा वी शेल नॉट नहीं मैं हर हाल में कामयाब नहीं होता रहा हूँ वी शेल नॉट हैव बीन है फॉरवर्ड फॉर गेटिंग फास्ट हम माजी को भुलाकर आगे नहीं बढ़ते रहे होंगे क्रिमिनल्स विल नॉट हैव बीन बिन बाई लॉ क्रिमिनल्स कानून की पासदारी नहीं करते रहे होंगे यू विल नॉट हैव बीन विजिटिंग लाहौर तुम लाहौर की सैर नहीं करते रहे होंगे दे विल नॉट हैव बीन है लिमिट्स uh, वो अपनी लिमिट्स लिमिट्स को क्रॉस नहीं करते रहे होंगे नेक्स्ट वन इज इंट्रोगेटिव जिसमें विल और शेल सेंटेंस के शुरू में आएगा हैव बीन सब्जेक्ट के बाद और लास्ट में क्वेश्चन मार्क शेल वी हैव बीन एबायरिंग बाई लॉ क्या हम कानून की पासदारी करते रहे होंगे शेल आई हैव बीन सक्सीडिंग एट एनी कॉस्ट क्या मैं हर हाल में कामयाब होता रहा हूँ विल स्टूडेंट्स हैव बीन सक्सीडिंग बाई ऑफ हार्ड वर्क इंसेप्शन क्या बच्चे जब से पढ़ना शुरू किया since, inception का मतलब है जब से चीज़ें उठीं जब से चीज़ें आई जब से चीज़ें जब से चीज़ों का उरूज हुआ जब से चीज़ें पैदा हुई तो जब से पढ़ाई का आगाज हुआ तब से बच्चे सख्त मेहनत करके कामयाब हो रहे होंगे विल क्रिस्टीन हैव बीन मूविंग फॉरवर्ड फॉर गेटिंग पास्ट क्या क्रिस्टीन माजी को भुलाकर आगे बढ़ बढ़ती रही होगी विल यू हैव बीन डूइंग इट एज डायरेक्टेड फॉर फाइव ईयर्स क्या तुम इसको वैसे कर रहे होंगे जैसे हिदायत दी गई पिछले पांच साल से नेगेटिव इंट्रोगेटिव में क्या आएगा शेल और विल सेंटेंस के शुरू में नॉट हैव बीन सब्जेक्ट के बाद नॉट हैव बीन सब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ सेंटेंस जैसे शेल और विल सेंटेंस के शुरू में सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट हैव बीन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फिर ऑब्जेक्ट फिर एक्सटेंशन ऑफ फ्रेरिकेट फॉर एग्जाम्पल शेल वी नॉट हैव बीन ए बायरिंग बाई लॉ क्या हम कानून की पासदारी नहीं करते रहे होंगे आई नॉट मैं कामयाब नहीं होता रहा हूँ वाई विल क्रिस्टीन हैव बीन मूविन फॉरवर्ड फॉर गेटिंग फास्ट क्रिस्टीन माजी को भुलाकर आगे क्यों बढ़ती रही होगी क्योंकि आगे बढ़ना जरूरत होता है लाइफ में आगे बढ़ना ही वे फॉरवर्ड है अगर आप आगे नहीं बढ़ेंगे तो फिर आप गुड गुड के मर जाएंगे वेयर विल यू हैव बीन डूइंग इट वेयर विल यू हैव बीन डूइंग इट एज डायरेक्टेड फॉर बिन डूंगाइवर्स तुम पिछले पांच साल से जैसे डायरेक्ट किया गया ये तुम कहां पे कर रहे होंगे ऑल राइट देर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस टेंस हमारे खत्म हो गए प्रेजेंट के बाद फ्यूचर प्रेजेंट के बाद पास्ट पास्ट के बाद फ्यूचर अगर आप इन टेंसिस को प्रॉपर नोट्स बनाएंगे प्रैक्टिस करेंगे तो कभी भी मसला नहीं होगा आप दिल सा को फेसबुक पे और यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और हारून दिले plus प्लस दिलासाक को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं TikTok पे भी फॉलो कर सकते हैं और और ट्विटर पे भी सेवन प्लस बैंड आइल्स में लेने के लिए आप हमसे राबता कर सकते हैं अगर आप ऑनलाइन ट्यूटर्स चाहिए या होम ट्यूटर चाहिए तो भी हम आप हमें इस नंबर पर रबा कर सकते हैं अगर आप सी एस एस या पी एम एस एस्पायरेंट हैं तो अपनी क्लासेस के लिए भी आप हमसे राबता कर सकते हैं एंड इफ़ यू वन ए स्टडी इन यू के यू एस एस्ट्रेलिया और कनेडा आप हमसे राबता कर सकते हैं एक बहुत ही अफोर्डेबल सा पैकेज जिसको शॉर्ट टर्म स्टूडेंट वीज़ा कहते हैं वो मैं अफोर्डेबल अफोर्डेबल उन लोगों के लिए पेश करने जा रहा हूँ जो एक्सपेंसिव uh, स्टडीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते और बहुत ही सस्ते में यू के भेज सकता हूँ प्लस अगर आप यू ए ई में काम की तलाश कर रहे हैं या यूके में तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ वेल दैट वाज ऑल और इन सभी टेंसेस का अभी मैं एक रिव्यू uh, दूंगा चार्ट की फॉर्म में जहाँ पे सब चीज़ें एक चार्ट की एक चार्ट की फॉर्म में आपको दे दिए जाएंगे तो उसके लिए अगर आप वो देख देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इस इस लिंक पे क्लिक कर लीजिए वेल दैट्स ऑल फॉर टुडे आई विल बी हियर विद यू गाइस विद नेक्स्ट वीडियो Thank you very much. Stay blessed.